Welcome to my channel. Please subscribe and hit the bell icon for new notifications. Hello friends, आज हम ये easy poncho बनाना सीखेंगे. ये आप किसी भी size का बना सकते हो. Example के लिए मैं ये toy से आपको बता रही हूँ. आप जिसके लिए भी बनाना चाहते हो उसके head या crown के area का measuring tape से measurement लेके उसमें 1 या 2 inches जो है add कर लीजिए और उसी measurement के हिसाब से अपनी foundation chain बनाइए. इसके पैटर्न के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप लोग चाहे तो डाउनलोड करके यूज करिए. मैं यहाँ पे एक्सेल साइज का पोंचो बना रही हूँ. उसके लिए मैंने 20 इंचेस जो है हेड पे मापा था, प्लस मैं यहाँ पे 1 inch ऐड करूँगी जो कि 21 inches होता है. फाउंडेशन चेन को सर्कल में ज्वाइन करने के लिए चेन की फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाइए ऐसे और चेन 3 करिए, 1 2 3. ये जो है हम इसे फर्स्ट डबल क्रोचेट की तरह कंसिडर करेंगे और सेकेंड चेन में एक डबल क्रोचेट लगाइए ऐसे. उसके बाजू वाले चेन में एक डबल क्रोशिया लगाइए, यान ओवर करिए, नीडल को चेन में डालिए, यान ओवर करके 2 फंदे रहेंगे उसमें से निकालिए. आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है. अब हम इस चेन रिंग में 2 मिड पॉइंट्स निकालेंगे सामने का गला और पीछे का गला बनाने के लिए. ऐसे मिड पॉइंट की एक चेन में एक ऐसी इस तरीके से जंप रिंग लगाइए और दूसरे साइड के मिड पॉइंट वाली चेन में भी जो है एक स्टिच मार्कर लगाइए. अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप. जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया है मिड पॉइंट वाली चेन में वहाँ तक डबल क्रोशिया बनाते जाइए. इस स्टिच मार्कर वाली चेन में मिड पॉइंट वाली चेन में 3 डबल क्रोशेट लगाइए, 1 2. चेन 3 करिए, इसी चेन में 1 2 3 और इसी स्टिच मार्कर वाली मिड पॉइंट वाली चेन में और 3 डबल क्रोचेट लगाइए, 1 2 3. अब इसके बिल्कुल बाजू वाली चेन में एक डबल क्रोचेट लगाइए इस चेन में. उसके बाजू वाली चेन में एक डबल क्रोचेट लगाइए, यान ओवर करिए ऐसे, 2 में से निकालिए. आप ऐसे ही डबल क्रोचेट दूसरे तरफ के मिड पॉइंट तक बनाते जाइए.
इसमें भी हम वैसे ही बुनेंगे जैसे अभी हमने मिड पॉइंट वाली चेन में बुना था। तीन डबल क्रोचेट बनाइए, 1, 2, 3। ये स्टिच मार्कर वाली दूसरे साइड के मिड पॉइंट वाली चेन में ही जो है 3 डबल क्रोचेट चेन 3, और उसी में और 3 डबल क्रोशिया लगाएंगे ऐसे, यानी वर्क करिए 3, 2, 1 ऐसे 2, 3। ये देखिए ये ऐसे दिखेगा। अब उसके बिल्कुल बाजू वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया लगाइए, 3, 2, 1, 3 फंदे 2 फंदे 1 बचेगा चेन पे। उसके बाजू वाली जो है चेन में ऐसे ही डबल क्रोशिया लगाएंगे, लास्ट में 1 लूप बचेगा नीडल पर। ऐसे ही जो है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक डबल क्रोशिया बनाते जाइए। इस राउंड को एंड करने के लिए सबसे पहले जो हमने चेन 3 बनाई थी उसके सबसे ऊपर वाली चेन में इस तरीके से एक स्लिप स्टिच लगाइए। अब हमारा राउंड 2 जो है स्टार्ट हो रहा है, ये ही राउंड जो है रिपीट होते जाएगा जितना हमको लेंथ चाहिए उस लेंथ तक। ये 1 राउंड रिपीट पैटर्न है, बहुत ही सिंपल बहुत ही ईजी है। ऐसा चेन 3 करिए, उसके बाजू वाली डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट लगाइए, उसके बाजू वाले डबल क्रोचेट के ऊपर 1 डबल क्रोचेट लगाइए। ऐसे ही जो है इस होल तक, इस होल के पहले जो डबल क्रोचेट है वहाँ तक बुनिए। अब इस होल में जो है 3 डबल क्रोचेट लगाइए, 1, 2, 3। इसी में 3 चेन्स बनाइए, 1, 2, 3। इसी होल में और 3 डबल क्रोशिया लगाइए, 1, 2, 3। ये देखिए इस तरीके से हमारा फ्रंट एंड बैक साइड का नेक जो है फॉर्म होते जाएगा। उसके बिल्कुल बाजू वाले डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाइए, उसके बाजू वाले डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाइए। ऐसे ही दूसरे साइड के होल वाले एरिया के सबसे पहले जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर तक डबल क्रोचेट बनाइए। और अब इस होल में फिर से वही 3 डबल क्रोचेट लगाइए, 3, 2, 1। 3 फंदे 2 फंदे, 2 फंदों में से निकालिए 1 फंदा बचेगा, 3 फंदे 2 फंदे 1 चेन 3, और 3 डबल क्रोचेट लगाइए, 1, 2, 3। अब उसके बिल्कुल बाजू वाले डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाइए। ये देखिए ये इस तरीके से डिजाइन बनता जाएगा, यही राउंड जो है रिपीट होते जाएगा। धागा खत्म हो जाए तो दूसरा स्ट्रैंड पकड़ के इस तरीके से ज्वाइन करके नॉट बना दीजिए और अपनी बुनाई कंटिन्यू रखिए, डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट। जहाँ पे हमने ये राउंड स्टार्ट किया था वहाँ तक डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाइए, और फर्स्ट चेन के सबसे ऊपर वाली 3rd चेन में स्लिप स्टिच बना के राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। एक चेन बनाइए, थ्रेड को कट करके इस तरीके से निकाल दीजिए। 3rd राउंड में हम कलर चेंज करेंगे, उसके लिए दूसरे कलर का थ्रेड लेकर उसमें एक स्लिप नॉट बना के कोई भी रैंडम डबल क्रोचेट के ऊपर नीडल को इंसर्ट करके चेन 3 करिए, 1, 2, 3। इसे हम फर्स्ट डबल क्रोचेट कंसिडर करेंगे,
ये दो थ्रेड्स जो है दिख रहे हैं उसे हम साथ लेते हुए बुनेंगे। उसके बाजू वाली चेन में एक डबल क्रोचेट बनाइए, डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट। ये दो थ्रेड्स को साथ लेते हुए बुनाई करिए, यार्न ओवर करिए, डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाइए। अब इस होल में 3 डबल क्रोचेट बनाइए, 1, 2, 3। चेन 3 करिए, 1, 2, 3। इसी होल में और 3 डबल क्रोचेट बनाइए, 1, 2, 3। इसके बिल्कुल बाजू वाले डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाइए। डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट ऐसे ही दूसरे होल के पहले जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर तक बनाइए। ये दूसरे साइड के होल में भी 3 डबल क्रोचेट बनाइए, 1, 2, 3। चेन 3 करिए, 1, 2, 3। उसी होल में और 3 डबल क्रोचेट बनाइए, 1, 2, 3। सेकेंड राउंड का पैटर्न ही जो है अब रिपीट होते जाएगा हर राउंड में, डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट। ये राउंड को एंड करने के लिए फर्स्ट चेन 3 की सबसे ऊपर वाली चेन में एक स्लिप स्टिच लगाइए, चेन 3 करिए, डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट। ऐसे ही जो है आपको जितना लंबा चाहिए आप राउंड 2 का ही पैटर्न यूज़ करते हुए बुनते जाइए। इस पोंचो को बनाने के लिए मैंने 3 रंग का इस्तेमाल किया है। इसका हैंगिंग बनाने के लिए सबसे पहले थ्रेड में एक बीट डालिए, उसमें एक स्लिप नॉट बनाइए। सबसे नीचे वाला जो होल है पैटर्न का पोंचो का, उसमें इस तरीके से जो है दोनों तागों को लेते हुए चेन 3 करिए, बीट को निडल की तरफ लेके आइए इस तरीके से, और बीट के हाइट पर एक चेन बनाइए ऐसे, और 2 चेन बनाइए, 1, 2। अब ऊन को उंगलियों पर इस तरीके से लपेट कर इसके बीच में रख के ऐसे जो है बुनिए। लोग को मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे प्लीज़ दूसरों से भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। Thank you.
इसके लूप्स को सीजर से कट करिए और नीचे से इसको इस तरीके से ट्रिम करके लेवल कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सुपर इजी पोंचो रेडी है।